चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीए फाइनल एसएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक्स वाई जेड लिमिटेड है सब्सटेंशियल कैश फ्लो एंड अंटिल द सरप्लस फंड्स आर यूटिलाइज्ड टू मीट द फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइकली टू हैपन आफ्टर सेवरल मंथ्स आर इन्वेस्टेड इन द पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ऑफ व्हिच आर गिवन इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स बीटा मार्केट प्राइस पर शेयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड द करेंट मार्केट रिटर्न इज 19% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 11% रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिस्क ऑफ द एक्स वाई जेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिंग टू दैट ऑफ द मार्केट। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि मार्केट में जैसी रिटर्न आपके पास आई है उसके बेसिस पे आप बताइए कि आपका बीटा क्या होना चाहिए, रिस्क क्या होना चाहिए। यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द रिस्क ऑफ एक्स वाई जेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का रिलेटिव रिलेटिव टू डेट ऑफ द मार्केट। रिलेटिव टू डेट ऑफ द मार्केट का मतलब जैसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न आया उसके बेसिस पे आप रिटर्न बताइए, ठीक है ना। दूसरा, वेदर एक्स वाई जेड लिमिटेड शुड चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो और नॉट, क्या इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकालेंगे, आप उस रिटर्न के बेसिस पे आपको हम क्या करेंगे बीटा निकालेंगे, ठीक है ना, बेसिस, ठीक है ना। अब देखिए हम लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी, रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी, ये जो रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटीज नहीं है, पोर्टफोलियो रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। यहां पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मार्केट प्राइस पर शेयर है 4.29, 2.92, 2.17, 3.14, फिर इसके बाद है इन्वेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे 60,000 है, 80,000 है, 1,00,000 है, 1,25,000 है नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, मार्केट वैल्यू का पहले क्या होगा, मार्केट वैल्यू 60,000 इंटू 4.29, 60,000 इंटू 4.29 2,57,400, 80,000 इंटू 2.92 2,33,600, 1,00,000 इंटू 2.17 2,17,000, 1,25,000 इंटू 3.14
3,92,500। अब आपको यहां पे क्या है, डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड हमने कितना कमाया, डिविडेंड यील्ड, तो इससे हमने कितना कमाया, ये टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट थी कितना, टोटल 11,500। तो डिविडेंड यील्ड आपका कितना होगा, डिविडेंड का रिटर्न का जो परसेंटेज है वो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। अब वो कितनी है डिविडेंड का रिटर्न का परसेंटेज, वो है 19.5%। तो 19.5% इंटू 2,57,000, 19.5% डिविडेंड यील्ड, और दूसरा है 24% 17.50% और 26%, ये हमारे पास डिविडेंड यील्ड है, द डिविडेंड यील्ड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड। अब आपका यहां पे रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न कितना हो जाएगा, 2,57,400, 19.5%, तो ये हो जाएगा 50,193, और ये हो जाएगा 24%, 2,33,600, दैट इक्वल टू 56,064, और 2,17,000 इंटू 17% 37,975, 3,92,500 का 26% 1,02,050। टोटल आपका रिटर्न कितना हो जाएगा, 2,46,282। अब आपका इसका वेट भी निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेट्स। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट है, चार इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। यहां पे 2,57,400 डिवाइडेड बाई 11,500, 2,57,400 डिवाइडेड बाई 11,500, इसका वेट हो जाएगा 0.27। उसी तरह 2,33,600 डिवाइडेड बाय 11,005,000, तो इसका हो जाएगा 0.233,000। यहाँ पे वेट हो जाएगा कितना, 0.233239, और इसका हो जाएगा 0.2123। उसी तरह तीसरा 2,17,000 डिवाइडेड बाय 11,500, तो 0.1972, और फोर्थ इन्वेस्टमेंट का 3,92,500 डिवाइडेड बाय 11,500, जो 0.3566। टोटल सम वेट का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल सम वेट का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर मार्केट, रिलेटेड टू द मार्केट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न रिलेटेड टू द मार्केट। तो कितनी रिटर्न हमारे पास आई है, 2,46,282 रिटर्न आया है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 11,20,000। तो हमारे पास जो रिटर्न है वो है 2,46,282
246,282 होल डिवाइडेड बाई 11,500 × 200 डेट इक्वल 22.38%। अब आपको निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ, वर्किंग नोट में ये भी था, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। अब देखिए बीटा हमारे पास कितनी है, बीटा बीटा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट वेट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, बीटा इन्वेस्टमेंट टू वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू, बीटा ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्री वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्री, बीटा ऑफ इन्वेस्टमेंट फोर वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फोर। अब इसका बीटा जो हमारे पास निकला है वो कितना है, 1.16 वेट, 0.2339 प्लस 2.28 इंटू 0.2123 प्लस 0.90 इंटू 0.1972 प्लस 1.50 इंटू 0.3566। ये आपका टोटल बीटा कितना हो जाएगा, 1.46। अभी जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसके बेसिस पे बीटा आपको कितना हो रही है, इतना हो रही है 1.46। अब हम बताएंगे कि रिटर्न के बेसिस पे रिस्क कितना होगा, दैट इज द बीटा कितना होगा। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, क्वेश्चन में क्या ले, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ एक्स वाई जेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटेड टू द मार्केट, रिस्क ऑफ एक्स वाई जेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू डेट ऑफ द मार्केट, रिलेटिव टू डेट ऑफ द मार्केट। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा, आर ए माइनस आर एफ, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास 22.38% है, 22.38%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितनी हमारे पास, 11%। बीटा आपको निकालनी है, दैट इज रिप्रेजेंट रिस्क, यहां पे 19% माइनस 11%, और बीटा इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 22.38 माइनस 11 होल डिवाइडेड बाय 19 माइनस 11, ये आपका हो जाएगा कितना, 1.42। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास रिटर्न आया है इस इन्वेस्टमेंट से उसके बेसिस पे बीटा कितना होना चाहिए था, 1.42 होना चाहिए था, उसके बेसिस पे बीटा कितना होना चाहिए था, 1.42 होना चाहिए था, उसके बेसिस पे बीटा 1.42 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बीटा हमारी पोर्टफोलियो बीटा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके बेसिस पे हमारे पास बीटा कितना है, 1.46। जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके बेसिस पे हमारे पास बीटा कितनी है, 1.46 है, और जैसे रिटर्न आया उसके बेसिस पे बीटा 1.42 है जो कम है, तो हमारी बीटा कम होना चाहिए था, तो इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एज पर
रिटर्न इन्वेस्टर शुड हैव बीटा 1.42 विच इज लोअर देन पोर्टफोलियो बीटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो बीटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1.46. Hence, we need to change portfolio. अब आपको यहां पे हमें सबका एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम निकालेंगे, डिविडेंड यील्ड से कंपेयर करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम. यहां पे इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, रिस्क फ्री प्लस बीटा, आर ए माइनस आर एफ, डिविडेंड यील्ड वैल्यूएशन स्ट्रेटजी. इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. यहाँ पे रिस्क फ्री कितनी है, 11% प्लस 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 1.16 2.28 0.90 1.50. अब यहां हम क्या करेंगे, 19 माइनस 11. अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसका रिटर्न निकालेंगे 20.28% 29.24 18.20 23%. अब हमारे पास ये सारे हमारे पास रिटर्न आ गया. यहाँ पे 19.50 24% 17% और ये हो जाए 26%. अब देखिए, होना चाहिए था इतना और कम है 19.5%. इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है 20.8 लेकिन आया 19.5. तो ये आपकी ओवर वैल्यूएशन है. इसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे. यहाँ पे 29.24 आना चाहिए था, आया कितना 24. ये भी आपकी ओवर हमने सोचा था, इसको भी हम क्या करेंगे, सेल करेंगे. आना चाहिए थे 18.20% लेकिन आया कितना 17%. दिस इज ऑल्सो ओवर वैल्यूएशन, इसको भी क्या करेंगे, हम सेल करेंगे. आना चाहिए था 23, आया 26, अंडर वैल्यूएशन है, हमने जो सोचा था उससे भी ज्यादा आया. तो इसको हम क्या करेंगे, बाई करेंगे.
तो हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजी है कि हम कौन से सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करेंगे, कौन से सिक्योरिटी को बाय करेंगे, कौन से सिक्योरिटी को सेल करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है ना बेटा, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क इन योर एग्जाम एज वेल। ओके, थैंक यू क्लास।